नमः शिवाय। सोमवार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1 बजे तक रहेगा। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। यह नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र में माना जाता है, जिसकी 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में शांति करानी पड़ती है। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, चतुर, विद्वान और तेजस्वी होते हैं। धन धान्य से युक्त, मधुर भाषी, व्यवहार कुशल, प्राचीन संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि वाले जातकों को आज स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आँखों और त्वचा से संबंधित संक्रमण का अंदेशा बनता है। अपनी कार्य ऊर्जा में शारीरिक श्रम से ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करें, लाभ मिलेगा। अपनी योजनाओं को किसी से शेयर ना करें, विरोधियों से आपकी कार्य योजना प्रभावित हो सकती है। छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अपने प्रयासों में थोड़ी रुकावट महसूस कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और केले के पौधे में जल डालें। वृष राशि वाले जातक आज पूरे दिन सफल माने जाएंगे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बौद्धिक क्षमता का बखूबी इस्तेमाल करेंगे, जो कि व्यावसायिक उन्नति और आर्थिक लाभ में सहायक होगी। नौकरी करने वाले जातक अधिकारियों के सहयोग में कमी महसूस करेंगे और आपके सहयोगी कर्मचारी आपके प्रति थोड़ी असंतुष्टि की भावना रखेंगे। दोपहर के बाद का समय आपकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास को और बढ़ाने का काम करेगा और शाम तक हर्ष और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। मिथुन राशि वाले जातक आज भाग्यशाली सिद्ध होंगे। आपकी कार्यक्षमता और प्रयास के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा। अचानक लाभ की स्थिति संभावित है। विरोधी परास्त रहेंगे। वाद विवाद से संबंधित मामलों को सुलझाने का प्रयास करें, लाभदायक परिणाम मिल सकता है। पत्नी पक्ष की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के योग बने हुए हैं। माँ दुर्गा की आराधना करें, अनुकूलता मिलेगी। कर्क राशि के जातक मन में बैठे हुए अनावश्यक भय को निकालकर अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुधार करेंगे। आजीविका के चल रहे प्रयास सफल होंगे। आपकी सक्रियता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ी हुई रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, विरोधी पक्ष दबा रहेगा। रुकी हुई या नई कार्य योजनाओं के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। शाम का समय खर्चीला व चिंताग्रस्त बना सकता है। सिंह राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। आपकी व्यावसायिक सफलता और आर्थिक उन्नति आपके साझेदार या आपकी पत्नी की प्रेरणा से मिलेगी। आर्थिक प्रयास आपको ही करना पड़ेगा, जिसमें विभागीय सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ का पथ प्रशस्त रहेगा। छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। अपने स्वास्थ्य के अनुरूप काम करते रहें। कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें। आपके राशि स्वामी बुध शत्रु व रोग भाव में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। थोड़े परिश्रम में थकान महसूस होने लगेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। व्यावसायिक मामले में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। किसी काम में निवेश की स्थिति बनी हुई है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शाम का माहौल खुशनुमा महसूस होगा। तुला राशि के लिए व्यावसायिक पक्ष आज संवेदनशील है। सकारात्मक कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास होने के बावजूद भी व्यावसायिक विवाद संभावित है। वाणी में मृदुलता बनाए रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। शाम का समय विवाद
या तनावग्रस्त बना सकता है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप लाभदायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन ठोस निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। आपकी कार्य ऊर्जा और आत्मविश्वास का सकारात्मक पहलू आज सक्रिय है। सामने वाले की विचारधारा को अपने पक्ष में मोड़ने में आप सफल रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। संतान संबंधी कार्यों की पूर्ति होगी। धनु राशि के लिए आज आपकी सार्थक पहल और मित्रों का सहयोग आपको सफलता दिलाएगा। नए निवेश के लिए समय अनुकूल है। अचानक लाभ संभव है। निजी संबंधों में और व्यावसायिक हिस्सेदारी में तालमेल बनाने में सफल रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वित्तीय मामले में सावधानियां अपेक्षित हैं। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। मकर राशि के लिए आपके अधिकारी और मातहत प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा सकारात्मक रूप से बढ़ी हुई रहेगी। पारिवारिक मामलों में मन मुताबिक कामयाबी हासिल करेंगे। अपने अनुसार लक्ष्य को मोड़ने में सफल रहेंगे। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अपने दिनचर्या में योगा व हल्के फुल्के व्यायाम शामिल करें। स्वस्थ रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। विवाह या मांगलिक कृत्य का योग बना हुआ है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। गुरु सदृश किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता मिलेगी। महत्वपूर्ण एवं ठोस निर्णय अपनी कोमल भावनाओं को किनारे करते हुए लें। सफल रहेंगे। मीन राशि के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। रचनात्मक परियोजनाओं में आपकी सक्रियता और बुद्धि कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सफलता के पायदान मिलते जाएंगे। अपनी सोच और कार्य ऊर्जा के सकारात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रयास करें। भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। व्यावसायिक उन्नति सामान्य रहेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।